हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं कुणाल और आप देख रहे हैं आपका अपना NF Explorer। तो भाई मैं लेकर आया हूं एक और नई वीडियो जो है मेरी कार के ऊपर। बेसिकली मेरे कार के एसी के ऊपर ये वीडियो है, क्योंकि हुआ क्या था कि भाई इसके जो ब्लोअर में से आवाज़ आने लग गई थी, मुझे लग रहा है कि इसका फिल्टर चौक है, तो वो तो अभी खोलने के बाद पता लगेगा। लेकिन भाई जिस भाई के पास KUV है, वो तो इस कार को देख के समझ सकता है कि जाली अगर चौक है तो वो कहाँ से खोल के उसे प्रॉपर रिप्लेस कर सकता है या उसको साफ़ कर सकता है। वैसे उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो प्लास्टिक की होती है। तो जैसे हमारे घर का AC होता है, उसकी जाली हम निकाल के साफ़ कर देते हैं, वही सेम प्रोसेस अपनी कार के लिए भी होता है। लेकिन भाई ज़रूरी नहीं है कि आप उस ब्लोअर को AC के लिए यूज़ कर रहे हो। अब आ रही है सर्दियाँ, तो भाई हीटर पे भी वही सेम चीज़ चलती है। भाई ब्लोअर तो दोनों ही चीज़ में चलाना पड़ता है, तो इसलिए मुझे वो फ़िल्टर साफ़ करना पड़ रहा है। तो भाई चलते हैं गाड़ी के अंदर, वीडियो करते शुरू। तो दोस्तों ये मेरी कार का इंटीरियर, और इंटीरियर में ये भाई ग्लोव बॉक्स। इसको सबसे पहले इसको यहाँ से दबा के थोड़ा सा इसको खोलना है, ये अपना बाहर आ जाएगा नॉर्मली। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आप इसको खोल सकते हो आराम से। उसके बाद ये सामने की तरफ इसमें जाली है, वो मैं निकालता हूँ और आप उसको देखो। तो दोस्तों ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये ब्लोअर के ऊपर, ये तो अपना ब्लोअर रहा। इसके ऊपर ये जो दिख रहा है आपको प्लास्टिक का, ये है भाई इसकी जाली। इसके साइड में नक्के होते हैं और ये बहुत सिंपल होता है इसको निकालना। इस तरीके से भाई बाहर आ जाएगा। और ओ तेरी भाई कितना गंदा हो रहा है ये देखो। पहले भाई इसको साफ़ कर लेते हैं, फिर इसको करते हैं इंस्टॉल। मुझे लग ही रहा था यही दिक्कत होगी, इसमें इतनी मिट्टी भर रही है। मैं आपको क्या ही बताऊँ, जरा इसकी एक बार अंदर से हालत देखते हैं। भाई अंदर से तो कोई दिक्कत नहीं लग रही इसमें, वो सब तो ठीक है। बाकी भाई इसको साफ करते हैं। थोड़ी सी गंदगी भाई इंडिया गेट पे ही फैला लेते हैं। भाई इसमें से मिट्टी प्रॉपर नहीं निकलेगी, इसको भाई कपड़े से साफ़ करना। जैसे आप घर का फिल्टर साफ़ करते हो ना AC का, आप जैसे घर के AC के फिल्टर को साफ़ करते हो, सेम वही चीज़ है भाई। और मुझे नहीं पता भाई ये किस किस कार में आता है, लेकिन महिंद्रा की तो मोस्टली कार के अंदर यही सेम चीज़ आती है। इसके भी आगे एक फ़िल्टर होता है जो AC की जो जाली होती है, जहाँ से उसे कूलिंग कॉइल कहते हैं शायद, तो जो उसके ऊपर भी एक जाली लगी होती है, लेकिन वो तो भाई बात की बात है। लेकिन यही पूरी चौक हो रखी है। ये देखो मिट्टी कितनी सारी हो गई यहाँ पे। भाई साफ़ कर देते, लोग आके बैठते हैं यहाँ पे, गंदगी नहीं फैलानी। तो ये इसकी हो गई भाई सफाई। तो भाई यही था एक छोटा सा वर्क गाड़ी के AC को साफ़ करने का, रिप्लेस करने का, या जो भी आपको करना है। आप अगर रिप्लेस करना चाहते हैं रिप्लेस भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रिप्लेस करना चाहिए, क्योंकि देखो ये प्लास्टिक है और कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। बस इसको खोलना है और ऐसे, मतलब जैसे घर के AC की जाली को साफ़ करते सेम वैसे ही जाली साफ़ करनी है, और इसको वापस उसी पे लगा देना है भाई। और जब चलो इसको लगाते हैं वापस चल के। तो भाई यहीं पे जो ये इसका जहाँ से हमने निकाली थी, पहले देख लेना कि सीधी है या नहीं। ये इधर ही की तरफ से सीधी है, क्योंकि ऊपर की तरफ से हवा लेता है, मतलब ये आपको यहाँ पे जाली सी दिख रही होगी, यहाँ से ये हवा खींचता है अंदर की तरफ, और इधर ही की साइड में वेंट होता है जो बाहर से हवा लेता है ये। और अब इसको इधर ही की तरफ लगाना है जाली को, और जिस तरीके से निकाली थी उसी तरीके से वापस लगेगी, लेकिन थोड़ा भाई सीधी देख लेना। ये गई अंदर, और भाई इसके लॉक जो है उनको प्रॉपर लगा देना, नहीं तो ये बाहर आ जाती है। भाई एक बार ये वर्कशॉप में लगवाई थी, तो पता नहीं क्या उनको याद नहीं रहा है क्या सीन था, ये एक बार बाहर निकल के आ गई थी, बज रही थी, वैसे गिरी तो नहीं थी, तो ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ था। यही छोटा सा वर्क था, ये लग गई इसकी जाली। दूसरी जाली यहाँ पे लगती है, वो मैं साफ़ नहीं कर रहा, क्योंकि यही मैन होती है, वो इतनी गंदी नहीं होती है। वो तो सर्विस सेंटर पे जाएगा, जब भी साफ़ हो जाएगा, तो उस पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, वो तो बहुत बाद की बात है। लेकिन सबसे पहले आपको ये साफ़ करना। और इसके जो AC के ब्लोअर की आवाज़ चेंज हो जाती है, और वो बिल्कुल भी हवा नहीं देता, बिल्कुल उसका थ्रो ख़त्म सा ही हो जाता है। तो अब इसको साफ़ करने से काफ़ी फ्लो बढ़ जाएगा और काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब इसके बाद इस ग्लोव बॉक्स को आप लगा लेना, ये तो भाई आपको जैसे निकाला था वैसे ही लगाना है, तो ये तो बहुत सिंपल सा है। तो यही छोटा सा प्रोसेस था गाड़ी की AC के फिल्टर को साफ़ करने का। तो दोस्तों यही थी पूरी वीडियो कार AC के फिल्टर को साफ़ करने के लिए। आप अगर भाई पूरी वीडियो कहीं भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो भाई कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट करना। और जिन जिन भाई के पास KUV है, वो तो भाई बिल्कुल प्रॉपर अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि मैं उनको क्या समझाना चाह रहा था। लेकिन जितने भी महिंद्रा के ऑनर हैं, जिन्होंने ये कार ले रखी है, महिंद्रा की KUV, स्कॉर्पियो, XYZ, जितनी भी कार हैं इस महिंद्रा की,
उन सब में सेम प्रोसेस होता है, लेकिन किसी की फ़िल्टर कहीं होता है, किसी का कहीं होता है, लेकिन होता इसी के पास है, जहाँ पे ब्लोअर होगा वहीं पे उसका फ़िल्टर लगा होगा। तो उसको साफ़ कर लेना भाई हर 5,000 किलोमीटर पे, क्योंकि भाई सर्दी हो चाहे गर्मी, काम तो ब्लोअर को करना ही करना है, क्योंकि या तो सर्दी में हीटर चलना है और गर्मी में चलना है भाई एसी, तो इसकी सफाई रखना, नहीं तो आपके ब्लोअर पे भी मिट्टी चढ़ती जाएगी और वो एक ना एक दिन आके चौक या कुछ भी उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये छोटे छोटे कार केयर्स होते हैं। बाकी भाई यही एक छोटा सा प्रोसेस होता है एसी के फ़िल्टर को साफ़ करने का भाई, और जितनी महिंद्रा की कार होती हैं उसके जितने ही फ़िल्टर होते हैं वो वहीं ब्लोअर के पास लगे होते हैं, तो आप भाई उसको साफ़ ऐसे कर सकते हो जैसे मैंने बताया। बाकी भाई वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर करना भाई, चैनल नया अपना सपोर्ट बना के रखना, चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।